देश की जनता को केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार है। बिहार के लोग भी टकटकी लगाए बैठे हैं। उम्मीदें परवान चढ़ रही है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, इस बार मैडम सीतारमण के पर्स से बिहार के लिए क्या निकलेगा। देश के सबसे गरीब राज्य को केंद्र से बूस्टर डोज की दरकार है, लेकिन प्रदेश में अब नहीं डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या पटना यूनिवर्सिटी के भाग्य खुलेंगे या फिर मायूसी हाथ लगेगी। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने उन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। बजट केंद्र का लेकिन चर्चा बिहार की। ऐसा इसलिए क्योंकि नीति आयोग की 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के मुताबिक बिहार 52 अंकों के साथ आखिरी पायदान पर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये है, जबकि देश का 86,659 रुपये है। ऐसे में बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए केंद्र की मदद की दरकार है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कई बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। क्विंट हिंदी से बातचीत में AN सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर DM दिवाकर कहते हैं कि बिहार में पिछले इतने वर्षों से डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं मिला। चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्र सरकार कुछ उम्मीदें जगा सकती है। इस बार का बजट लोक लुभावन होगा। अब जरा आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि बिहार को केंद्र की इतनी मदद की जरूरत क्यों है। गरीबी तो एक वजह है ही, इसके अलावा कृषि, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार पीछे है। क्विंट हिंदी से बातचीत में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष NK ठाकुर कहते हैं कि बिहार में तीन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, एक एग्रीकल्चर, दूसरा टूरिज्म और तीसरा एजुकेशन। इन क्षेत्रों के विकास से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही निवेश भी आएगा। सबसे पहले बात कृषि की करते हैं। बिहार में कृषि आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश की 76% आबादी कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई है, लेकिन देश में उत्पादकता के पैमाने पर बिहार बहुत पीछे है। फसल उत्पादन के मामले में बिहार टॉप 3 राज्य छोड़िए टॉप 10 राज्यों में भी नहीं है। क्विंट हिंदी से बातचीत में प्रोफेसर DM दिवाकर कहते हैं कि अगर बिहार का डेवलपमेंट होना है तो खेती का डेवलपमेंट पहला काम होना चाहिए और उसके लिए एक मुश्त बजटीय प्रावधान हो जिससे कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश हो सके। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर सरकार किसान मजदूर की भलाई चाहती है तो बिहार को कृषि के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का फंड मिलना चाहिए। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती का ऐलान किया था। बिहार के कई जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलने से बिहार की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है। ऐसे में बिहार को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए। बिहार के 38 जिलों में से लगभग 15 जिले बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, जहां हर साल बाढ़ से करोड़ों की संपत्ति, जान माल, आधारभूत संरचना और फसलों को नुकसान होता है। वहीं पिछले साल प्रदेश सरकार ने 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। ऐसे में जल प्रबंधन के लिए भी बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए। प्रोफेसर दिवाकर कहते हैं कि बिहार के पास सबसे उपजाऊ भूमि है और सबसे अधिक पानी का भंडार है। पानी का सही से प्रबंधन नहीं होने से कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की समस्या होती है। ऐसे में जल प्रबंधन के लिए कम से कम 2.5 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान होना चाहिए। बिहार में पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार की कमी। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश के 14% माइग्रेंट बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के 2020 में किए गए एक शोध के मुताबिक बिहार की आधी जनसंख्या का पलायन से सीधा रिश्ता है। बेरोजगारी दर की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में देश में बेरोजगारी दर 8.3% रही, जबकि बिहार में बेरोजगारी दर इससे कहीं ज़्यादा 19.1% थी। ऐसे में बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय निवेश की जरूरत है। प्रोफेसर दिवाकर कहते हैं कि बिहार में कृषि जनित उद्योग का विकास होना चाहिए। इसके लिए विकेंद्रित औद्योगिकरण नीति के तहत प्रखंड स्तर पर उद्योग केंद्र बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही जिला स्तर पर जो उद्योग केंद्र हैं उनको संगठित करने की जरूरत है।
रोजगार की बात शिक्षा के बिना नहीं हो सकती है। नीति आयोग की स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के दूसरे संस्करण के आंकड़ों के मुताबिक बड़े राज्यों की सूची में बिहार 19वें पायदान पर है। वहीं शिक्षा मंत्रालय की 2020-21 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार 773 अंकों के साथ 27वें पायदान पर है। साल 2022 में NIRF की रैंकिंग में टॉप 100 संस्थानों में बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम तक नहीं है। CM नीतीश कुमार ने खुद PM मोदी से पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रोफेसर दिवाकर कहते हैं कि बिहार में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उसके विकास के लिए अतिरिक्त फंड मुहैया कराने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षकों की कमी या अन्य समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके साथ ही वो कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोले जाने चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलने में आसानी हो। स्वास्थ्य की बात करें तो बिहार की सेहत ठीक नहीं है। साल 2019-20 के लिए नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4th संस्करण जारी किया था। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नाम से जारी इस रिपोर्ट में 19 बड़े राज्यों की सूची में बिहार 18वें पायदान पर है। बिहार के पटना में एकमात्र एम्स है जो चल रहा है। वहीं साल 2015 में सरकार ने दरभंगा में एम्स खोलने का ऐलान किया था। 8 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। प्रोफेसर दिवाकर बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12 हेल्थ सेंटर हैं, जो कि बहुत कम है। चाहिए कि इसकी तादाद बढ़ाई जाए। प्रखंड स्तर पर एक रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए। वहीं हर गांव में एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को समुचित धन आवंटित करनी चाहिए। बिहार में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन सेक्टर राज्य के आर्थिक विकास में काफ़ी अहम योगदान दे सकती है। बोधगया, राजगीर, वैशाली, नालंदा और पावापुरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत है, जिससे कि बिहार में पर्यटन के साथ साथ रोजगार के भी अवसर पैदा हों। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष NK ठाकुर वाराणसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस साल वाराणसी में गोवा से ज़्यादा बाहर के टूरिस्ट आए। आज पूरे वाराणसी की इकोनॉमी बदल गई है। अगर केंद्र सरकार भी थोड़ा मदद करे तो पर्यटन के विकास से बिहार की अर्थव्यवस्था भी बदल सकती है। इन सब बातों का मूल यही है कि राजनीति से परे केंद्र सरकार को बिहार की बेहतरी के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की जरूरत है। इसके लिए प्रदेश के BJP नेताओं को भी सरकार के सामने आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार का फोकस केंद्र की योजनाओं के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन पर होना चाहिए। बिहार में कावा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।